नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एनालिसिस हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी पर अपने व्यूज़ नहीं दे पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर पाया। आइए आज मिलकर चर्चा करते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट आने वाले सप्ताह में किस प्रकार रहेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जहाँ मैं हमेशा निफ्टी को एनालाइज करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस हाईएस्ट लेवल को टच किया था, 11,767 के लेवल को, और उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी मार्केट में, और जहां हमने देखा कि निफ्टी ने 10,000 के स्तर को छुआ अक्टूबर 15, 2018 को। उसके बाद से हम निफ्टी में कुछ ख़रीदारी हमने देखने को मिली और निफ्टी वापस 10,515 तक जाकर आया, और फिर उसने कुछ सस्टेन किया इन लेवल्स पर। परंतु पिछले सप्ताह में हमने देखा कि निफ्टी में एक ख़रीदारी का माहौल बना, क्योंकि जीडीपी के कुछ अच्छे आंकड़े प्रस्तुत हुए। परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैरिफ ट्रेड वॉर के चलते हमारी कंपनियों को पिछले क्वार्टर में काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ा है। उनके प्रॉफिट्स, उनकी मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स इतने अच्छे नहीं रहे। तो ऐसे में मैं देखता हूं कि निफ्टी वापस इन्हीं स्तरों पर एक रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल रही है। यदि निफ्टी 11,080 के स्तर तक गया भी, तो निफ्टी को यहां पर इस स्तर पर एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से निफ्टी में एक तेज गिरावट हम देखेंगे, और वो तेज गिरावट मेरा मानना है कि 10,400 के स्तर तक निफ्टी को ला सकती है आने वाले हफ्ता में। दोस्तों सतर्क रहें, निफ्टी में आने वाले हफ्ता में कई इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स की वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा विश्व की सभी मार्केट्स में, जिसका प्रभाव हम भारतीय बाजारों पर स्पष्ट रूप से देखेंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट जीपिंग और यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता में टैरिफ ट्रेड वार के ऊपर कुछ फैसले लिए जाएंगे, जहां मुझे पॉजिटिव आउटकम की बहुत कम उम्मीद है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ कम करने के लिए कभी राजी नहीं होगा, जिससे विश्व की सभी कंपनियों के मार्जिन्स दबाव में रह सकते हैं, और जैसा कि हमारे देश में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय सरकार के बीच काफ़ी तनाव का माहौल चल रहा है, जिसके चलते हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर काफ़ी दबाव रहा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए हैं, जिससे बैंकों के आय पर, उनके मुनाफे पर काफ़ी दबाव रहा है, और बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में है। बैंक निफ्टी के प्रेशर में रहते, मैं नहीं मानता कि निफ्टी ऊपर की चाल अभी पकड़ सकता है। यदि निफ्टी सोमवार को 11,000 के आसपास खुलता भी है, तो हम उसमें एक तेज गिरावट देखेंगे। अन्यथा मेरा मानना यह है कि हम निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं।
उसके बाद निफ्टी कुछ सपोर्ट दे सकता है 10,648 पर, जहां से एक बाउंस बैक निफ्टी को मिलेगा, परंतु फिर वापस 10,900 के स्तर पर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में, जिसके बाद हम तेज गिरावट देखेंगे। आइए अब इस मूवमेंट को एक घंटे के टाइम जोन में देखें। तो यहां आप देख सकते हैं कि तीस नवंबर को यहां निफ्टी ने बार बार 10,900 के ऊपर जाने की कोशिश की, परंतु यहां सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके बाद निफ्टी 10,833 के स्तर पर आया और फिर यहां निफ्टी आखिरी घंटे में एक दबाव में ही बंद हुआ है, जिसका स्पष्ट प्रभाव हम एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगले हफ्ते के प्रथम सत्र में देख सकते हैं। यदि निफ्टी पहले सप्ताह के पहले सत्र में गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है, तो हो सकता है कुछ खरीदारी हमें देखने को मिले, अन्यथा मेरा मानना है कि एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी मात्रा में रहेगा निफ्टी पर। और निचले स्तरों पर निफ्टी 10,590 के स्तर पर कुछ सपोर्ट दे सकता है, अन्यथा फाइनल सपोर्ट उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज, जहां आप देख रहे हैं 10,513 पर, यहां पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और उनसे कहें कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूं। धन्यवाद।